हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू कृपा भाविका मेहंदी। आज की वीडियो में हम साइड फेस ग्रूम ड्रॉ करेंगे। उसके लिए पहले मुझे हाथ का आउट प्रिंट लेना है, जो मैंने एक्सरे का जो पार्ट रहता है उस पर हैंड ड्रॉ करके उसके बाद फिर मैंने उसको कट किया है और उसको मैं आउटलाइन के लिए ड्रॉ करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो पहले हम सीखते हैं साइड फेस कैसे ड्रॉ करते हैं। उसकी पूरी वीडियो मैंने पीछे बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। और उसके हाइलाइट्स मैं अभी बता देती हूँ आपको। साइड फेस ड्रॉ करने के लिए आपको चार पार्ट में फेस को डिवाइड करना है। फर्स्ट फोरहेड, नोज, लिप्स एंड जॉ लाइन। और ये चारों को आपको लाइन वाइज करना है, मतलब स्टार्टिंग में जहाँ से आप फोरहेड ले रहे हो और जहाँ नोज़ की टिप आ रही है, उन दोनों के बीच में लिप्स का पार्ट स्टार्ट होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हमको स्टार्टअप लेना है। पाम में हम साइड फेस ग्रूम लेंगे। स्टार्टअप में मैं एक लीफ शेप में अंदर लोटस ड्रॉ कर रही हूँ और उसके आसपास एक गल्फ एलिमेंट के लिए पत्तियाँ बना रही हूँ। तो पहले मैंने लोटस ड्रॉ किया और लोटस ड्रॉ करने के लिए मैंने जिस तरह से आपको बताया है कि लोटस का जो बीच का शेप है उसके आसपास जो लीफ ड्रॉ कर रहे हैं, वो लीफ को हमको डाउन में मिडल पार्ट में एंड करना है। इस तरह से हमारा अगर लोटस ड्रॉ होगा तो वो सुंदर दिखेगा। और हम ये गल्फ एलिमेंट ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमको 3D जो शेप है वो देने के लिए अंदर शेडिंग करना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत सुंदर दिखता है, इसलिए आपको गल्फ एलिमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा शेडिंग करनी है। और उसके बाद मैं एक लाइन देख के फ्रिल्स ड्रॉ करूँगी और फ्रिल्स के आसपास में गल्फ एलिमेंट का लीफ ड्रॉ करूँगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि गल्फ एलिमेंट का जो लीव्स है वो ज़्यादातर लोगों से अच्छे अच्छे आर्टिस्ट से अच्छा नहीं बनता है, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक देती हूँ। आपको डाउन से लेके अप डायरेक्शन में जहाँ पे आपको लीव ड्रॉ करना है वहाँ से एकदम लाइट, फिर डार्क, फिर छोड़ देना है। इस टाइप से प्रेशर दे के आपको लिप्स बनानी है, जो मैं अभी आपको बना के दिखाऊँगी। जैसे मैंने अभी बनाया, एकदम लाइट, फिर प्रेशर दिया, फिर छोड़ दिया, लाइट, प्रेशर दिया, छोड़ दिया। और जिस डायरेक्शन में हमको ये ड्रॉ करना है उस डायरेक्शन में हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। पहले एकदम लाइट प्रेशर देके कॉर्न निकालना है, ज़्यादा प्रेशर देना है, फिर छोड़ देना है। इस तरह से आपको ये ड्रॉ करना है, उस हिसाब से आपकी ये गल्फ एलिमेंट वाली लीफ अच्छी बनेगी। अब हम मेन पार्ट आता है गल्फ एलिमेंट में, डार्क पार्ट। और डार्क पार्ट में होता है आपको जो भी पार्ट दिख रहा है वो सब डार्क करना। और डार्क करते वक्त आपको ध्यान रखना है, आप जो भी आपका एलिमेंट है उसकी बॉर्डर को पहले आप डार्क करें, फिर उसके बाद जो भी एरिया बचा है आप उसको फिलअप करें। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जगह छूट ना जाए और कहीं कोई भी जगह पे कम मात्रा में मेहंदी ना लगे। अगर कहीं कम लग गई तो उसके हिसाब से जब कलर आएगा तब वो पार्ट डार्क दिखेगा और जहाँ कम है वो लाइट दिखेगा। तो लाइट डार्क का शेड उधर नहीं अच्छा दिखेगा, इसके लिए आपको हर जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा या तो कम से कम सेम पार्ट में मेहंदी का डार्क करना है। अब उसके बाद मैं बना रही हूँ स्मॉल बेल्ट। इस टाइप के स्मॉल बेल्ट के लिए मैंने पूरा डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया है। अगर आपको इस टाइप के बेल्ट दिखने हैं कितने टाइप के आते हैं तो आप उस पर देख सकते हैं, मैं आपको उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब मैं बना रही हूँ ग्रूम का साइड फेस। जैसे मैंने बात की, आपको साइड फेस बनाने के चाहे ग्रूम हो या ब्राइड हो, आपको पहले फोरहेड, नोज, लिप्स और उसके बाद आपको जो लाइन बनानी है। क्योंकि ये ग्रूम है और मुझे मुस्टाश वाले बनाना है, इसलिए मैंने नोज और लिप्स के बीच का जो भाग है वो थोड़ा बड़ा रखा था, फिर उसके अंदर से मैंने मुस्टाश ले ली। अब जो फोरहेड है उसके सपोर्ट पर मैंने सेहरा बनाया है और सेहरा का शेप दिया है। सेहरा के साथ साथ मैंने ईयर और ईयर के सपोर्ट में मैंने गर्दन का भाग लिया है और जो लाइन का शार्पनेस दिया है। क्योंकि मुझे शार्प जो लाइन देनी थी इसलिए मैंने पहले जो राउंड शेप में जो लाइन का भाग दिया था वो रफ करके एकदम शार्प वाला बनाया है। फिर उसके बाद मैं आइस बनाऊंगी और आइस बनाने के लिए आपको डबल सी का यूज़ करना है। पहला सी के एंड पे हमको दूसरा सी का डाउन लेके जाना है, फिर उसके आईबॉल बनाने हैं। फिर उसके बाद दाढ़ी बनाने के लिए आपको पहले लाइट शेड करना है, जो शेप में आपको दाढ़ी बनानी है, बियर्ड बनानी है, आपको उस शेप में लाइट शेड करना है। फिर उसके बाद नीचे से लेके ऊपर तक डार्क करते जाना है, जैसे मैंने अभी किया।
नीचे डाक किया, फिर उसके बाद हमको ऊपर से लेके जाते लाइट लाइट करते जाना है, वो बहुत सुंदर दिखता है कलर आने के बाद, लाइट डल का शेड उधर। फिर उसके बाद गर्दन के नीचे से हमको उनका शेरवानी बनाना है। और कई बार फिगर बनाते वक्त हमसे कोई गलतियाँ हो जाती है और वो गलतियाँ हम ड्रॉप करके वापस बनाने जाएंगे तो कुछ ना कुछ दिख के आएगा और वो ब्राइडल को मेहंदी में अच्छा नहीं दिखेगा। जैसे मेरी गलती अभी यहाँ हुई, जो हमारी दूल्हे का शेरवानी का दुपट्टा है वो अच्छा नहीं बना है, वो छोटा बना है, इसलिए मैं बड़ा करके फिर उसके बाद मैं वो रफ करूँगी और उसके अंदर जो हमारी शेरवानी है मैं उसको लाइट शेड में कवर अप करूँगी। उस हिसाब से मेरी गलती भी छिप जाएगी और उसके बाद जो शेरवानी है मैं उसको डार्क शेड में कोई भी डिज़ाइन लूँगी, उससे मेरा जो दुल्हा है वो उभर के आएगा और मेरी गलती भी छिप जाएगी। फिर उसके बाद हमको करना है फिलअप। कोई भी फिलअप करते वक्त जैसे मैंने बताया हमको ऊपर से लेके नीचे तक आना है, पहले मैं सेहरा के फिलअप करूँगी, उसके बाद मैं दुपट्टा और उसके बाद फिर हम करेंगे शेरवानी का फिलअप। जैसे कि आपने देखा मैंने अपनी गलती शेडिंग करके उसके नीचे छुपा दी। आप भी कभी ऐसी गलती आपसे हो जाए तो आप अपनी क्रिएटिविटी से उसको छुपा सकते हैं और आपकी जो मेहंदी की डिज़ाइन है वो भी अच्छी दिखेगी। अब इस तरह से मैं ग्रूम को पूरा फिलअप करूँगी, उसके बाद उसके आसपास की जो डिज़ाइन है वो बनाऊँगी और जब भी हम हमारा मेन एलिमेंट के बाद आसपास को जो डिज़ाइन है वो बनाए तब हमको ध्यान रखना है कि वो डिज़ाइन ऐसा हो कि जिससे हमारा दूल्हा के लिए ये पूरा वीडियो एंजॉय करें। अगर आपको कुछ भी डाउट या क्वेश्चन है आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं एंड एंजॉय। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।